हाय फ्रेंड्स, मैं नाम सूर्या है एंड आई एम रियली हैप्पी कि आप लोगों ने मेरा वीडियो इतना पसंद किया और इतना सराहा है। फिलहाल आज मैं बात करूंगा टाइगर श्रॉफ की आने वाली फिल्म ए फ्लाइंग जट के ट्रेलर के बारे में। जी हाँ, ट्रेलर इसका हाल ही में रिलीज हुआ है और जो चीजें सामने आई है वो काफी हिलेरियस, बोलते ना एकदम मजाकिया है, क्योंकि आप एक सुपर हीरो से क्या एक्सपेक्ट करते हो, वो हर जगह जाके लोगों की जान बचाए, दुश्मनों को खात्मा करे, इस तरह का सुपर हीरो आपने हॉलीवुड फिल्मों में देखा हुआ। लेकिन ये पहला ऐसा इंडियन सुपर हीरो है टाइगर श्रॉफ जो कि पंजाबी जट है, ऊपर से जट है, ऊपर से इसकी माँ इसे इतना परेशान करती है कि वो एक सुपर हीरो ऐसा उसको महसूस ही नहीं होता। एक सुपर हीरो जहाँ पे लोगों की जान बचाता है वहां पे इसकी मम्मी जो अमिता सिंह जो रोल प्ले किया है उसकी माँ का, वो इनसे झाड़ू लगवाती है टाइगर श्रॉफ से। तो आप देख सकते हो ये काफी हिलेरियस फिल्म है। इस फिल्म में जो कैरेक्टर्स है, जैसे कि आपको बता दिया मैं, टाइगर श्रॉफ है, उनकी जो हीरोइन है वो प्ले कर रही है रोल जैकलिन फर्नांडिस। जैकलिन फर्नांडिस को एक सुपर हीरो से शादी करनी होती है, आपको जैसे पता है लड़कियों को हमेशा किसी प्रिंस चार्ल्स या एक बड़े से कोई बंदे से शादी करनी होती है। उसी हिसाब से इस फिल्म में जैकलिन फर्नांडिस को एक सुपर हीरो से शादी करनी रहती है और टाइगर श्रॉफ को पसंद आ जाती है जैकलिन। तो जितने भी सुपर पावर्स है अपनी वो जैकलिन को पटाने में वो इस्तेमाल करते हैं, उन्हें इंप्रेस करने में वो इस्तेमाल करते हैं। और कहीं ना कहीं उसके बाद जो आपको पता है ना, विलन तो होता ही है फिल्मों में, और सुपर हीरो फिल्म में विलन ना हो तो यार क्या मतलब है। तो इस फिल्म में भी एक विलन है जिसका रोल प्ले किया है के मेनन ने। के मेनन एक नेगेटिव रोल प्ले कर रहे हैं जिनका जिनका आपको लुक थोड़ा सा सिमिलर लगेगा, जो क्रिश देखा होगा, क्रिश में आपने विवेक ओबेरॉय का कैरेक्टर देखा होगा, या तो उनका रोल सिमिलर लगेगा, जो इस तरह का कुछ ऐसा ऐसा उनका लुक है, जैसे आप उनका शर्ट ऐसे खड़े खड़े रहते हैं इस तरह, ऐसा कुछ उनका लुक है, तो इस तरह से उनका लुक है नेगेटिव। उनका उनके पास एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट, जो के मैंने ने नेगेटिव रोल प्ले किया, उनके पास एक बहुत बड़ा हथियार रहता है नेथन जोन्स नाम का। नेथन जोन्स एक रेसलर टर्न्ड एक्टर है जो इस फिल्म में नेगेटिव रोल करते आएंगे और के मैनन इन्हें भेजते हैं कि टाइगर श्रॉफ को आप खात्मा कर दो, उसके बाद ही आप राज कर सकते हो। और जो विलन रहता है, विलन का जो मतलब साथी राका उसका नाम रहता है, जो जो नेथन जोन्स है, वो हर जगह ढूंढता है टाइगर श्रॉफ को मारने के लिए। उसके बाद कहीं ना कहीं टाइगर श्रॉफ उसकी पकड़ में आ ही जाता है, टाइगर श्रॉफ को बहुत बुरी तरह पीटता है, हर जगह जा जाके पीटता है उसको। उसके बाद एक फिल्म में डाउनफॉल शायद आता होगा, क्योंकि ट्रेलर में इस तरह से दिखाया गया। उसके बाद उसकी माँ के पास जाता है टाइगर श्रॉफ की, यार ये क्या होगा, उसकी माँ उसे बोलती है यार तू कुछ भी कर सकता है, तुझे सुपर पावर्स दी है तो तू दुनिया से लड़ सकता है, हर विलन का खात्मा कर सकता है। तो इस हिसाब से ट्रेलर में कुछ सामने नजर आ रहा है, कुछ सीन मुझे ट्रेलर में बहुत हिलारियस लगे, जैसे कि टाइगर श्रॉफ एक आग लगी रहती है 3-4 मंजिला इमारत में, वहां पे जाता है एक लड़की को बचाने, जैसे ही अंदर घुसता है उसके कपड़े में आग लग जाती है, और एक पुलिस का एक जमघट लगा रहता है कहीं, तो वहां पे जाता है तो पुलिस की गाड़ी में घुस जाता है। अलग बहुत सारे हिलेरियस चीजें इस फिल्म में। और एक एट द एंड ऑफ द ट्रेलर में ये दिखाया गया कि यार टाइगर श्रॉफ ना जाने अभी क्या करते होंगे, हमारा फ्लाइंग जेट हम ना जाने क्या करता, उस समय वो झाड़ू लगा रहते हैं घर का। तो ऐसे बहुत सारे इसमें फनी मोमेंट्स है, तो फिल्म कहीं ना कहीं उस तरह के सुपर हीरो की तो नहीं लग रही है मुझे। फिल्म का ट्रेलर देख से इतना पता चलता है कि फिल्म एक हिलेरियस कॉमेडी है, जहां पे टाइगर श्रॉफ का जो रोल अभी तक मुझे ट्रेलर में दिखा मुझे अच्छा लगा है, वहीं जैकलिन फर्नांडिस एक नपातुला बेकार से करेक्टर रहेगा उनका। और इस फिल्म में अगर कोई इंप्रेस मुझे करने वाला है वो है के मैनन, मुझे देखना है कि वो किस तरह से इंप्रेस करते हैं। तो ओवरऑल एक अच्छा ट्रेलर लगा, मैं टीजर से काफी निराश था, टीजर में वीएफएक्स उतने सही नहीं लगे थे, बट ट्रेलर में एक थोड़ी जान फूंक दी है डायरेक्टर रिमो डिसूज़ा ने, और अच्छा मुझे लग रहा है ये ट्रेलर। और इस ट्रेलर को अगर मैं अपनी रिव्यू के हिसाब से रेटिंग दूंगा तो मैं आई थिंक इसको 3 स्टार तक दे सकता हूँ आराम से। वहीं ये फिल्म रिलीज हो रही है 25 अगस्त को, तो बहुत ज्यादा वक्त नहीं बाकी है, देखते हैं इस फिल्म वाले किस तरह से प्रमोशन करते हैं। और टाइगर श्रॉफ का लुक तो मुझे काफी पसंद आया, आपको क्या लगता है इस फिल्म के ट्रेलर के बारे में और टाइगर श्रॉफ के इस नए लुक के बारे में, मुझे बताइए। हाँ, तब तक के लिए बाय।